तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है, यानी कह रहा है क्या, एक बगीचा है, ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, मतलब घेराबंदी करना है चारों तरफ। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई बराबर दिया है 300 मीटर, चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है, और बाड़ लगाने का खर्च दर दिया हुआ है, बाड़ लगाने का दर दिया हुआ है 30 रुपया प्रति मीटर। बाड़ लगाना है, इसका अर्थ है क्या, इसका निकालना होगा। बाड़ हम लोग जो लगाएंगे इसके घेरा पे ही लगाएंगे, यानी इसका परिमाप निकालना होगा। तो पहले हम निकालेंगे बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई, कुल लंबाई या लंबाई बराबर होगा परिमाप, और परिमाप का सूत्र आपको याद है क्या होता है, बता सकते हैं, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, लंबाई चौड़ाई वहाँ रख दीजिए, तो 300 मीटर जोड़ 200 मीटर यानी कि 2 × 500 मीटर, गुना कीजिएगा तो 1000 मीटर, यानी इसके चारों ओर जो बाड लगाना है उसका लंबाई कितना निकल गया टोटल, वो कुल लंबाई 1000 मीटर है। अब 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया है, तो 1000 मीटर लगाने का क्या खर्च होगा, तो 1000 का निकालना है, इसीलिए निकालेंगे बाड़ लगाने का कुल खर्च, बाड़ लगाने का कुल खर्च बराबर जो हो जाएगा बाड़ की लंबाई, ठीक है, बाड़ की लंबाई गुना दर, ठीक है, बाड़ की लंबाई कितना था 1000 मीटर गुना रुपीस 30 प्रति मीटर, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 × 3 बढ़ेगा, यानी कि 30,000 रुपया कुल खर्च होगा, ठीक है। बाड़ लगाना है, घेराबंदी करना है, कौन दौड़ रहा है, तो उस सब परिस्थिति में जो है प्रश्न आपका पूछ रहा है कि उसका परिमाप क्या है, परिमाप पे फोकस कीजिएगा और उसी पे ध्यान केंद्रित करना है जब किनारे का घेराबंदी का लंबाई या चौड़ाई के से पूछता है। तो प्रश्न संख्या 4 आप लोग पढ़ लिए होइएगा, ऐसे बोर्ड पे भी लिख दिए हैं। कहता है कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ती है। यानी कमल जो है वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है, मान लीजिए ये वर्गाकार है इसके चारों ओर, और शबनम इसका, इसमें भुजा 80 मीटर है और शबनम जो दौड़ती है वो 70 और 50 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं, 3 चक्कर लगा रहा है दोनों, कौन अधिक दौड़ता या दौड़ती है और कितना अधिक, तो हम लोग को क्या करना होगा, कुल दूरी तय किया गया, कुल दूरी निकालना होगा, या तो कुल दूरी क्या हो जाएगा परिमाप होगा, यानी कि दोनों का परिमाप को 3 गुना कर देंगे। तो सवाल हम लोग हल करते हैं, पहले लिखते हैं वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 80 मीटर है, ठीक है, उसके बाद आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 70 मीटर और चौड़ाई बराबर है 50 मीटर, कुल चक्कर कितना दिया हुआ है, कुल चक्कर है 3 बार दौड़ता है, तो कमल के द्वारा तय की गई दूरी हम निकालेंगे, कमल के द्वारा तय दूरी और कितना जाएगा 3 गुना
वर्गाकार मैदान की परिमाप है ना, यानी तीन गुना वर्गाकार मैदान का परिमाप होता है चार गुना भुजा, तो चार गुना भुजा यानी तीन गुना चार गुना भुजा 80 हो गया। अब गुना कीजिएगा तो चार तिया 12, 12 अठे 96, इतना मीटर हो जाएगा। नहीं, क्यों तीन गुना हम लिए, तीन गुना लिए क्योंकि तीन चक्कर कमल तीन चक्कर लगा रहा है, तो तीन बार दौड़ा, वर्गाकार मैदान का जो परिमाप होगा उसका तीन गुना होगा, तो इसलिए तीन से गुना किए। अब हम निकालते हैं शबनम, शबनम के द्वारा तय दूरी, कुल दूरी कितना तय करेगी शबनम, तो तीन गुना आयत का परिमाप, तीन गुना आयत का परिमाप होता है दो गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कितना हो गया तीन दूनी छः गुना आयत का लंबाई कितना है 70 + 50 ही मीटर में था, यानी 6 × 7 = 12 120 मीटर, 12 × 6 = 72 यानी 720 मीटर। अब यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि कमल 960 मीटर दूरी तय किया और शबनम 720, तो कौन अधिक तय किया, कमल अधिक दूरी तय किया, तो लिखेंगे कमल ने अधिक दौड़ा और कितना अधिक दौड़ा, तो 960 - 720 घटा दीजिए मीटर में होगा 240 मीटर अधिक कमल दौड़ा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल परीक्षा में तो नहीं रहेगा, आप जान रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं बनाने के लिए, छोटा छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि परिमाप इतना है, कोई लड़का दौड़ रहा है तो कितना दूरी तय करे, दो गो का तुलनात्मक क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन होगा, एक आदमी से संबंधित प्रश्न होगा, और इसीलिए वर्गाकार मैदान आयताकार मैदान का परिमाप का सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र कंठस्थ याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कहता है, आप लोग पढ़े होइएगा, प्रश्न पढ़ लिए होइएगा पाठ्य पुस्तक में, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। आयताकार मैदान का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, कह रहा है किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। कहने का अर्थ है कि अगर एक आयताकार मैदान का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और इसका परिमाप कह रहा है एक वर्गाकार मैदान के बराबर है, तो परिमाप हम लोग बराबर है। अब देखिए कहता क्या है, आगे प्रश्न देखिए, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना, क्षेत्रफल निकालना है, इसका भुजा दिया हुआ ही नहीं है, वर्गाकार मैदान का भुजा आपको नहीं दिया है, सिर्फ इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है, इसका लंबाई दिया है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, और कह रहा है कि इसका जो परिमाप है इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका परिमाप निकाल लीजिए, इसके बराबर कर दीजिए सूत्र से, फिर इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके बराबर है कि क्या है बड़ा वो बताना है। तो हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग आयत की लंबाई बराबर 10 मीटर और चौड़ाई बराबर 8 मीटर, तो क्या निकाल जाएगा, आयत का परिमाप निकालिए, आयत की परिमाप बराबर सूत्र आपको याद होगा दो गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, दो गुने लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। ठीक है, तो दो गुने 18 मीटर, 18 × 36 मीटर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है क्या कि आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप आप कितना निकाले 36 मीटर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, तो भुजा बराबर निकल जाएगा, यहाँ से भुजा बराबर हो जाएगा 36/4 = 9 मीटर। अब देखिए इसका भुजा भी निकल गया 9 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालिए 10 × 8 = 80, इसका निकालिए 9 × 9 =
81, ये 80 और ये 81, किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो क्षेत्रफल वर्ग का ही अधिक हो गया 1 मीटर। तो अब उसी सवाल को बनाना, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा प्रश्न, आयताकार मैदान के बराबर ही वहाँ तक बोला, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना? तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 10 मीटर गुना 8 मीटर 80 मीटर का वर्ग। अब लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुना भुजा यानी 9 मीटर गुना 9 मीटर 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है जी, 81 - 80 = 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल अधिक है। सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का सवाल आसान होगा। अभी इस क्वेश्चन में दिया है कि आयत का परिमाप क्षेत्रफल, इसका लंबाई चौड़ाई दे नहीं देके उसका भुजा दिया रहेगा और कहेगा उसका परिमाप जो है इसके बराबर है, तो क्वेश्चन को बदला जा सकता है। तो इस तरह का सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, बनाना बहुत आसान है, सूत्र याद है तो बन जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं मालूम, क्योंकि लॉकडाउन है, घर में बैठ के पढ़िए और समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। रजिस्ट्रेशन आप लोग का क्लास 8 का 11 तारीख को अंतिम होने जा रहा है, लगभग सभी बच्चे हम समझ रहे हैं कि फॉर्म भर दिए होंगे, और आप लोग मेहनत से पढ़िए। ये सब सवाल जो क्षेत्रमिति का, ये निश्चित आएगा, सभी सूत्र कंठस्थ याद कर लीजिए। हम क्षेत्रमिति का जितना भी सूत्र है उसके लिए एक अलग वीडियो डाले हैं, परिचय एवं सूत्र, उसको भी देखिए, याद कीजिए। सूत्र को लिख कर कहीं चिपका दीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे का प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।